हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू कैंपस एक्स। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एक बहुत स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो हम लोग CNNs पढ़ रहे हैं और CNN को पढ़ते टाइम मैंने आपको बताया था कि CNN एक्ट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स। आप एक इमेज को इनपुट करते हो और आउटपुट में आपको रिजल्ट मिल जाता है, बट इस पूरे बीच में क्या हो रहा होता है और हमारा CNN किस तरीके से डेटा को देख रहा होता है वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है पता करना। बट आज के वीडियो में हम लोग एक टेक्निक देखेंगे जिसको यूज़ करके आप एक्चुअली थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि CNN किस तरीके से आपके इनपुट को प्रोसेस करता है। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर मैंने वीडियो की शुरुआत में जब हमने CNN पढ़ना स्टार्ट किया था वहाँ पर आपको बताया था कि CNN में जो इनिशियल लेयर्स होते हैं वो प्रिमिटिव फीचर्स को खोजते हैं इमेज के अंदर, लाइक एजेस। ठीक है, और जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते हो डीपर लेयर्स की तरफ तो आप थोड़े सोफिस्टिकेटेड फीचर्स खोजने लगते हो। लेट्स से अगर आप एक ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप उसका नोज, ईयर, हेयर, ये सब आइडेंटिफाई करने लग जाते हो। ये एग्जैक्ट चीज़ आज मैं आपको कोड के थ्रू करके दिखाऊंगा। यू वुड सी इनिशियल लेयर्स जो होंगे वो हमें बताएंगे अबाउट प्रिमिटिव फीचर्स लाइक एजेस, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स को निकाला जाएगा थ्रू हिडन लेयर्स, जो डीपर लेयर्स हैं। ठीक है, अब आज की जो वीडियो है इसमें जो मैंने कोड यूज़ किया है ये आई डोंट रिमेंबर मैंने किसी ब्लॉग से उठाया है, एंड ऑनेस्टली कोड डज नॉट मैटर। आई डोंट थिंक आपको फ्यूचर में ये कोड कभी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग, जो आप इस कोड को रन करके देखोगे और समझोगे। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस कोड को यूज़ करो अलग अलग टाइप के इमेजेस के ऊपर सो दैट आपको और एक डीपर आइडिया मिले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन जनरल कभी भी आप न्यूरल नेटवर्क्स का बात करो तो दे आर कंसिडर टू बी एज ब्लैक बॉक्स, राइट? मतलब इनपुट जाता है, आउटपुट आता है, बहुत सही आउटपुट आता है, बट नोबडी नोज इंटरनली क्या पिक कर रहा है न्यूरल नेटवर्क। तो समटाइम्स इट्स कंसिडर्ड ग्रेट अगर आप बीच के लेयर्स के आउटपुट को रोक दो और वहीं पे चेक करो कि इसको क्या दिख रहा है। दैट कैन बी डन एक्चुअली। सो हम वही करने वाले हैं। हम दो चीज़ें अभी देखेंगे प्लॉट करके। फर्स्ट, सी CNN इज ऑल अबाउट फिल्टर्स, कर्नल्स, 3x3, 5x5। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि वो कर्नल्स कैसे दिखते हैं, क्योंकि एट द एंड दे आर लाइक 2D, राइट? और समहाउ देर इज अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द पिक्सल्स या बिटवीन द वैल्यूज। तो वो हम विजुलाइज करने का ट्राई करेंगे कि वो कैसा दिख रहा है जब वो ट्रेन हो चुका है उसके बाद। फिर हम क्या करेंगे, हम एक नया इमेज देंगे उन फिल्टर्स को और उन फिल्टर्स के आउटपुट में जो इमेज होगा ना उसको हम विजुलाइज करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें दिखाई देगा कि हमारा न्यूरल नेटवर्क क्या देख पा रहा है। तो हम दो चीज़ें देखने वाले हैं, एक होता है फिल्टर विच इज़ बेसिकली द कर्नल, और सेकेंड हम देखने वाले हैं इट्स कॉल्ड फीचर मैप, इट्स बेसिकली द आउटपुट फ्रॉम अ फिल्टर। सो जब आपका फिल्टर आपके इमेज के ऊपर कॉन्वॉल्व करता है तो जो आउटपुट बनता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सी आप कोई भी CNN के ऊपर ये कर सकते हो, बट वो ट्रेंड होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं VGG16 के ऊपर काम कर रहा हूँ। बिसाइड्स ये कोड मेरे को इंटरनेट पर बहुत ईजिली मिल गया, अदरवाइज मुझे लिखना पड़ता। तो आई एम गोइंग टू यूज़ VGG16, और VGG16 में फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट शो यू VGG16 इज़ बेसिकली अ 16-layer नेटवर्क, जहाँ पे पहला इज़ ऑब्वियसली इनपुट 224, और अगर आप 17th लेयर पे जाओगे तो इट इज़ दिस, आई गेस दिस वन लास्ट कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद ये फ्लैटन है, उसके बाद ये डेंस लेयर्स हैं। सो ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और मैंने उसी को प्लॉट करके दिखाया। VGG16 इसलिए भी यूज़ किया बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारे के सारे 3x3 वाले कॉन्वोल्यूशंस हैं, तो देख के समझ में आता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है जो लूप कर रहा है आपके सारे लेयर्स के ऊपर और चेक कर रहा है कि आपके लेयर के नाम में कॉन वर्ड है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये कॉन वर्ड एक्चुअली बता रहा है कि वो कॉन्वोल्यूशन लेयर है। तो मुझे बस उन्हीं को पिक करना है क्योंकि वही फिल्टर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बस चला दिया है कि उन कॉन्वोल्यूशन लेयर्स का लेयर नंबर क्या है। सो फर्स्ट वन मतलब जीरोथ इज इनपुट लेयर, तो फर्स्ट इज कॉन्वोल्यूशन, सेकेंड इज कॉन्वोल्यूशन, देन फोर्थ इज अगेन कॉन्वोल्यूशन। यू कैन एक्चुअली चेक दिस, यू कैन चेक 0, 1, 2, 3 इज मैक्स पूलिंग, 4th,
फिफ्थ, सिक्स्थ इज मैक्स पूलिंग, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। फोर फाइव सिक्स्थ नहीं है, सेवन्थ है, सेवन एट नाइन है, फिर टेन नहीं है, इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन है, फोर्टीन नहीं है, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स हैं एक्चुअली, सो CNN जितने भी साथ वाले हैं वो सबको एक ब्लॉक में डाल दिया, तो देर आर इन टोटल फाइव ब्लॉक्स, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट जो CNN है, फर्स्ट जो सेट ऑफ फिल्टर्स हैं लेयर वन वाले, मैंने उनका आपको फिल्टर्स प्रिंट करके दिखाना है। हमने क्या किया, सी फिल्टर्स आर बेसिकली वेट्स, राइट, एट द एंड दे आर जस्ट वेट्स। तो हमने मॉडल डॉट लेयर्स वन का गेट वेट्स किया, और यहाँ पे दो एरेज मिलेंगे मुझे, एक होगा सारे फिल्टर्स की वैल्यू और एक होगा बायस का वैल्यू, ठीक है। मुझे फिल्टर्स की वैल्यू से मतलब है, और मैंने उसको नॉर्मलाइज कर दिया 0 से 1 के बीच में, सो दैट वो पिक्सल सही से दिखाई दे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे 64 बाय द वे फिल्टर्स यूज़ हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो यहाँ पे 64 फिल्टर्स यूज़ हो रहे हैं। ऑब्वियसली हम 64 प्रिंट करके नहीं देख रहे, मैं बस आपको पहला जितना भी हो पाए, इस कोड में शायद 18 है, सो 6 यहाँ पर लिया हमने और रेंज 3 है, तो 18 फिल्टर्स दिखाई देंगे। तो हमने बस क्या किया है कि हमारा जो फर्स्ट CNN लेयर है, जो फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर है, उसके 64 फिल्टर्स में से हम फर्स्ट 18 फिल्टर्स देख रहे हैं कि वो कैसा दिखाई देते हैं, ठीक है, यूजिंग द आई एम शो फंक्शन। सो यू कैन सी ये रहे, सो जो हमने एज डिटेक्शन में सारा थ्योरी पढ़ा था, इट्स बेसिकली द सेम थिंग, ठीक है, यू कैन ईजिली सी दैट। सो इनफैक्ट कभी कभी ये सेम भी होता है, जैसे यहाँ पे देखो पहला 3 फिल्टर्स सेम है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि हर CNN के केस में ऐसा ही होता है, बट VGG के केस में फर्स्ट 3 सेम ही है, ठीक है। बट अगर आप नेक्स्ट वाले पे फोकस करो तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, और यहाँ पे देख के भी समझ में आ रहा है कि ये इस तरह के एजेस को डिटेक्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये फिल्टर्स आपको देख के समझ में आएगा कि अच्छा ये क्या पकड़ने के लिए रेडी बैठा है, ओके। सो ये हो गया फिल्टर्स देखना। अब हम देखते हैं कि इन फिल्टर्स को जब आप कॉन्वॉल्व करते हो एक इमेज के ऊपर, तो वो इमेज में क्या खोजता है, ठीक है। सो हमने एक इमेज सैंपल ले लिया है, जैसे मैंने विराट कोहली का ये फोटो लिया है, ठीक है। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं अपने CNN नेटवर्क में VGG16 के अंदर डालूंगा, और हर CNN जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है उसके फिल्टर्स में कॉन्वॉल्व करा के मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली करना क्या है अपने को, ये मैंने इस जगह पे क्या किया है, मैंने एक नया मॉडल बना लिया, एक कम्प्लीटली नया मॉडल बना लिया, जो मेरा VGG16 वाला जो मॉडल है उसका सबसेट होगा। नोटिस करो, ये जो नया मॉडल है इसका इनपुट क्या है, जो VGG16 का इनपुट है, और इसका आउटपुट क्या है, जो VGG16 का फर्स्ट लेयर का आउटपुट है। सो बेसिकली आप ऐसा समझो कि मैंने VGG16 को फर्स्ट लेयर के बाद ही काट दिया बस, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक इमेज को इम्पोर्ट किया, उसको एरे में कन्वर्ट किया, प्री प्रोसेस किया, ये सब कुछ कर दिया, और उसके बाद क्या किया मैंने, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में भेज दिया, तो पलट के मुझे फीचर्स मिले, और अब मैं बस क्या कर रहा हूँ, उस फीचर के ऊपर लूप चला के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो कोड डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप क्या अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। सो यहाँ पर यू कैन सी, जब आप फर्स्ट लेयर से पास करते हो, फर्स्ट सेट ऑफ फिल्टर्स से पास करते हो, तो यू गेट 64 डिफरेंट इमेजेस। वाई 64? बिकॉज हमारे पास 64 फिल्टर्स हैं, तो आप यहाँ पे अगर काउंट करो तो 4 4 8, और इस तरह का हमारे पास 8 रोज है, ठीक है। तो हर फिल्टर से गुजरने के बाद यू आर गेटिंग डिफरेंट आउटपुट, कभी कभी सेम भी है क्योंकि इंटरनली कुछ फिल्टर्स भी सेम है, बट यू कैन सी जैसे ये एजेस डिटेक्ट कर रहा है, ये काइंड ऑफ आई डोंट नो सिलोएट पूरा डिटेक्ट कर रहा है, ये बियर्ड और हेयर डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट फेस एज इन ब्लैक एंड व्हाइट जैसा दिख रहा है ये भी। सो यू कैन सी लाइक डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो लेयर्स हैं, सेकेंड लेयर, उसके बाद फिफ्थ लेयर, उसके बाद नाइन्थ लेयर, उसके बाद थर्टीन्थ लेयर, उसके बाद सेवनटीन्थ लेयर, हम बेसिकली अपने VGG16 में थोड़ा डीपर जाके हर लेयर के बाद फीचर मैप प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि हमारे इमेज में क्या बच रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़ा नीचे जा करके मैंने बस वही किया जो काम ऊपर किया था, उसको लूप में करना है बेसिकली। और अब
जब ये पूरा चीज प्लॉट किया ना, तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है सब कुछ। तो यू कैन सी जो लेयर टू है उसका आउटपुट इज वेरी क्लोज टू लेयर वन, उसी के जैसा है, ठीक है। बट जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग होती है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, यू कैन सी कि विराट कोहली वाले इमेज का जो विजिबिलिटी था ना, वो कम हो रहा है। सी एट द एंड हम क्या करने वाले हैं, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है तो क्लासिफाई समथिंग। जैसे VGG16 क्या कर सकता है, अगर आप एज इट इज उसको यूज करो तो वो 1000 क्लासेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करता है, क्योंकि वो इमेज नेट के ऊपर ट्रेंड है, ठीक है। तो उसमें से एक क्लास हो सकता है ह्यूमन भी, ठीक है। तो एट द एंड जब ये फोटो मैंने दिया अपने CNN को, तो उसका एंड गोल क्या था? टू क्लासिफाई दिस फोटो एज अ ह्यूमन बींग। ऑब्वियसली उसको विराट कोहली नहीं पता, वो 1000 क्लासेस में विराट कोहली नहीं है, बट उस 1000 क्लासेस में ह्यूमन बींग हो सकता है। तो एट द एंड उसको क्या निकालना है? उसको निकालना है कि ये जो फोटो है, क्या ये ह्यूमन बींग है या कुछ और है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो विराट कोहली से नीचे आते 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 थोड़े जनरल फीचर्स के ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे फेस, ह्यूमन बींग है तो फेस होना चाहिए, ठीक है। फेस है तो आंख होनी चाहिए, आंख है तो प्यूपिल होना चाहिए, ठीक है। उस तरीके से हम नीचे आ रहे हैं। सो यू कैन सी धीरे धीरे विराट कोहली का आइडेंटिटी इज गेटिंग लॉस्ट, और एक जनरल सॉर्ट ऑफ यू नो लॉजिक क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जैसे जैसे आप डीप जा रहे हो अपने नेटवर्क में, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पर इट्स मोर अबाउट फिगरिंग आउट दैट देर इज अ फेस, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाने पे, लेयर 9 पे जाने पे, यू कैन सी कि अब एकदम ही लाइक टुकड़ों में आ गई ये चीज़ें, लाइक एकदम छोटे छोटे पीसेस में बन रहा है। और थोड़ा नीचे जाने पे यू कैन सी अब स्पेसिफिक स्पॉट्स बन रहे हैं आपके आपके चेहरे के, स्पेसिफिक स्पॉट्स बन रहे हैं जिनको अगर आप लीनियरली कंबाइन कर रहे हो तो एक फेस जैसी चीज़ बनेगी, ठीक है। एंड या दैट इज वॉट हैपन्स, ठीक है। सो इन न्यूरल नेटवर्क आप एंड तक पहुंचते पहुंचते सबसे जनरल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, और फिर आप उनको लीनियरली कंबाइन करके यू गिव द आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एक CNN के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। सो या आई विल शेयर दिस नोटबुक विथ यू, आप लोग एक बार इसके ऊपर अलग अलग इमेजेस चला करके देखना, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो प्रोबेबली आपको और थोड़ा इंट्यूशन डेवलप होगा इस चीज़ के बारे में। बट या दिस इज इट, ये आपके साथ डिस्कस करना था। सो दैट वॉज द वीडियो गाइस। विराट कोहली के इमेज के साथ हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए। अब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप और कुछ अलग अलग टाइप के इमेजेस उठाओ, इस कोड में इनपुट दो, आउटपुट देखो और चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, अपनी लर्निंग को डॉक्यूमेंट करोगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।